नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम ये वीडियो आपके साथ साथ उन प्रोफेशनल लोगों के लिए भी बना रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर बॉलीवुड के लिए कोई ना कोई फिल्म बना रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज के लिए फिल्म बनाने जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर किन किन कैमरों का, किन किन प्रोफेशनल कैमरों का बोलबाला रहेगा फिल्म इंडस्ट्री पर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से जो भी प्रोड्यूसर फिल्म मेकर फिल्म बनाएंगे वो ये जरूर देखेंगे कि उनकी फिल्म नेटफ्लिक्स कंपैटिबल है कि नहीं, यानी नेटफ्लिक्स पर ये चल सकता है कि नहीं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हर जो कैमरा मैन्युफैक्चरर है वो ये चाहते हैं कि उनका जो कैमरा हो वो मिनिमम नेटफ्लिक्स से कंपैटिबल हो, यानी उनसे अप्रूव हो। इसलिए हर कैमरा मैन्युफैक्चरर अपने कैमरे के आगे ये जरूर लिखते हैं कि उनका ये कैमरा नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। तो ये क्यों? क्योंकि अगर आप 3K या 3.2 या 4K से नीचे के किसी भी कैमरे से आप शूट कर रहे हैं तो सिनेमा हॉल में तो रिलीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स टाइप के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देने जा रहे हैं तो उनका ये पहली शर्त होती है कि उनका जो कैमरा है, जिस कैमरे से फिल्म शूट हुई है, वो मिनिमम 4K होना चाहिए। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि एरी के अच्छे कैमरे से शूट होने के बाद भी चूंकि वो 4K से नीचे होते हैं वो नेटफ्लिक्स अप्रूव नहीं करते। तो इसलिए हर कैमरा जो 2019 में आने जा रहा है वो सभी नेटफ्लिक्स अप्रूव होंगे, यानी नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आराम से चलाए जा सकेंगे, क्योंकि वो उससे एक बहुत अच्छी रेवेन्यू आती है प्रोड्यूसर्स को। तो हम एक एक करके 6 कैमरे बताएंगे जिनका बोलबाला या जिनकी हलचल अगले साल आपको सुनाई देगी। सबसे पहले हम आते हैं एरी पर। देखिए, एरी अभी तक माना जाता है, ये माइंडसेट है कि एरी रेड, इसी से हमारी फिल्में बनती है। तो डेफिनेटली हम एरी से ही बात स्टार्ट करेंगे। एरी ने निकाला एरी एलेक्सा एलएफ। एलएफ यानी लार्ज फॉर्मेट। ये 4.5K का है और इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो 14 प्लस है, और ये जो डायनेमिक रेंज है 14 वो एरी अप्रूव डायनेमिक रेंज है। ये ध्यान दीजिएगा कि एरी का डायनेमिक रेंज उसी तरह से है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक एप्पल का आप एक मोबाइल ले लीजिए और एक दूसरी कंपनी का मोबाइल ले लीजिए, उनके मेगापिक्सल में अंतर होने के बाद भी कहीं ना कहीं एप्पल बेटर, आईफोन बेटर रहता है। तो एरी ने ये जो कैमरा निकाला एलएफ, इसमें तो उन्होंने ये किया कि सिग्नेचर जो प्राइम लेंस है उसके साथ ही कंपेटेबल है, अदरवाइज़ आप मास्टर प्राइम लेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके साथ सिग्नेचर प्राइम लेंस ही आप यूज़ करें। और इसकी कीमत तकरीबन इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 125,000 के आसपास की ये कैमरा बैठती है। नेक्स्ट ईयर इस पर ही मैक्सिमम बड़े बजट की फिल्में बनेंगी। सेकंड नंबर पर आते हैं रेड। रेड ने एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया, वो है DSM-C2। DSM-C2 का जो प्रोसेसर है वो सबसे बड़ी बात इसमें है कि इन्होंने हाई डायनेमिक रेंज दिया है, और इस इन्होंने 3-3 ऐसे कैमरे को लॉन्च किया है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट है मॉन्स्ट्रो 8K का है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके जो लेंस है वो एनामॉर्फिक लेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप मास्टर प्राइम नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं अल्ट्रा प्राइम यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए आप सुप्रीम प्राइम लेंस यूज़ कर सकते हैं इसमें, और सुप्रीम प्राइम लेंस की तरह जो और भी लेंसेज हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम भी उसी प्रोसेसर से बनाया गया है, ये भी 8K का है, लेकिन इसमें आप मास्टर प्राइम लेंस या अल्ट्रा प्राइम लेंस यूज़ कर सकते हैं, और इसकी डायनेमिक रेंज है 16.5 प्लस, जबकि जो मॉन्स्ट्रो था उसका डायनेमिक रेंज था सबसे ज़्यादा 17 प्लस। 17 प्लस का डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी मानी जाती है, अगर आप फिल्म मेकिंग का कुछ भी ज्ञान रखते हैं और कैमरे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आप जानते हैं तो आप डायनेमिक रेंज के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तीसरा है जेमिनी। ये रेड का थर्ड कैमरा है, इस ये है तो 5K का, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है मालूम है? ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही लो लाइट में भी बहुत अच्छा शूटिंग करता है और नॉइजलेस शूटिंग करता है। आपको अगर एक्चुअल लाइटिंग पर अगर आपको कुछ शूट करना है, नाइट में कुछ शूट करना है और अवेलेबल लाइट्स पर शूट करना है और अच्छी शूटिंग करनी है, आप चाहते हैं कि उसमें जो सीन की जो क्वालिटी है वो एकदम ओरिजिनल लगे, तो आप डेफिनेटली जेमिनी पर जाइए। जेमिनी से अगर आप कोई चीज़ शूट करते हैं तो काफ़ी अच्छा आएगा। तो अगर आप कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं रेड से तो आपको हीलियम और जेमिनी का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, या फिर मॉन्स्ट्रो और जेमिनी का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे होंगे कि आप मॉन्स्ट्रो और हीलियम पर जो चीज़ शूट नहीं कर सकते उसे आपको जेमिनी पर शूट करना पड़ेगा। और इनका FPS वगैरह बहुत अच्छा है, जैसे रेड में ऑलवेज आप जानते ही हैं कि इसका जो स्लो मोशन का है और वो अच्छा ये होता है।
इस कैमरे की कीमत अगर हम मॉन्स्टर को कहते हैं तो ये इंडियन करेंसी में तकरीबन 75 से 85 लाख के बीच में आएंगे, और हीलियम और जेमिनी 30 से 40 लाख के बीच में, इनके जो कंप्लीट सेट बॉडी की बात कर रहे हैं लेंस छोड़ करके, वो आ जाएगा। ये दो कैमरा यानी रेड और एरी तो डेफिनेटली जो बड़े बजट की फिल्में होंगी उन पर आएंगे। अब आते हैं मिड बजट के कुछ कैमरों के बारे में मैं बताऊं। उसमें हम सबसे पहले आते हैं कैनन पर। कैनन ने C100, 200, 500 के बाद C700 लॉन्च किया और बड़े धूमधाम से लॉन्च किया, और इस कैमरे को सीधे लाके खड़ा कर दिया रेड और एरी के समकक्ष। इनका मानना है कि यह कैमरा फुल फ्रेम, एक तो इसका जो सेंसर है फुल फ्रेम है, 5.9K का इसका रेजोल्यूशन है, और फुल फ्रेम हो जाने से इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है जैसा कि कैनन बताता है कि बहुत अच्छा, और हमने भी देखा डेफिनेटली इसमें कुछ चीज़ें हैं। हाँ, बॉडी जरूर उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना एरिया रेड का है, लेकिन इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ इन्होंने दिया है बहुत अच्छा है। इसमें ये एनामॉर्फिक लेंस कंपैटिबल है, यानी इसमें एनामॉर्फिक लेंस लगा सकते हैं, और डेफिनेटली 4K से ऊपर है तो इसमें आप नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बना सकते हैं, या नॉर्मल आप अच्छी बजट की भी फिल्में इसमें आप शूट कर सकते हैं। इसके जो डायनेमिक रेंज की बात करेंगे तो डायनेमिक रेंज इसका 15 स्टॉप है, जो काफ़ी अच्छा है कैनन के लिहाज से, काफ़ी अच्छा ये डायनेमिक रेंज है। और इसकी जो कॉस्ट आएगी इंडियन करेंसी में वो 40-45 लाख के बीच में इसकी बॉडी का विथ एसेसरीज कॉस्ट आएगा। और ये जरूर है कि लोग का माइंडसेट है रेड और एरी के लिए, तो कैनन पर कितने लोग आते हैं ये आगे देखने वाली बात है, लेकिन 2019 में बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जो इस कैमरे से शूट होने वाली हैं। प्रोफेशनल सीने कैमरा की बात आती है तो सोनी का सीने अल्टा को हम नहीं भूल सकते। इसने दर्जनों बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में दी हैं, और अब इन्होंने लेके आए हैं सीने अल्टा का वेनिस मॉडल। डेफिनेटली ये 4K से ऊपर 6K का ये कैमरा है, और फुल फ्रेम कैमरा है। जैसे कैनन का C700 था, इस तरह से ये भी कैमरा फुल फ्रेम कैमरा है, और इसका जो डायनेमिक रेंज है, इसमें डायनेमिक रेंज नहीं होता है। सोनी ने क्या किया, सोनी ने डायनेमिक रेंज से हटकर लैटिट्यूड पर काम किया। अगर आप लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायनेमिक रेंज से ये किस तरह से भिन्न है। इसकी लैटिट्यूड 15 प्लस स्टॉप का है, और वो भी लैटिट्यूड अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका जो वेरिएशन मिलेगा डार्क टू लाइट वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस कैमरे की भी कीमत तकरीबन 40-45 लाख जैसे कैनन का है, उसी के आसपास का इसका भी रेट है, और सीने अल्टा होने की वजह से इसके सीने अल्टा से रिलेटेड जितने भी लेंसेज हैं वो इसके साथ कंपेटेबल है। इसमें आप सोनी का कोई भी लेंस यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें EF और PL दोनों माउंट आप लगा सकते हैं। और ये कैमरा हमको लग रहा है कि जो इसकी जो कलर टोन है, सीने अल्टा का कलर टोन है, काफ़ी हद तक हॉलीवुड की फिल्मों से मिलता जुलता है। इसका जो आप कलर ग्रेडिंग करेंगे, DI करेंगे, उस पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो सोनी पर भी अगर आप चाहें तो मिड रेंज की फिल्म लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट है पैनासोनिक का वेरिकैम LT एंड वेरिकैम 35। देखिए ये दोनों कैमरे 2019 के लिए ही एक तरह से लॉन्च किए गए हैं, और ये 4K कैमरा है, और कम्प्लीटली ये एक सिनेमा कैमरा इसको आप कह सकते हैं। इसके जो डायनेमिक रेंज है 14 प्लस है, और इसका भी डायनेमिक रेंज 14 प्लस। पैनासोनिक का अपना एक डायनेमिक रेंज का हिसाब होता है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और पैनासोनिक का इतिहास रहा है कि इन्होंने जो भी कैमरा दिया है बहुत मजबूत कैमरा दिया है, स्थायी कैमरा दिया है। इनका P2 जिस तरह से प्रचलित हुआ था आज भी प्रचलित है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने वेरिकैम को जो लाया है कुछ सोच के लाया है। ये सुपर 35mm का इसका सेंसर है, और इसके सेंसर का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी दिया हुआ है जो आपको फिल्म बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त लगेगा, और इसकी जो कीमत होगी इंडियन करेंसी में वो 30 लाख के आसपास का होगा, और काफ़ी इकोनॉमिकल है। और आप अगर मिड रेंज की किसी भी फिल्म में जाना चाहते हैं, और इसका जो टोन है वो काफ़ी अच्छा है, पैनासोनिक का टोन थोड़ा सा सोनी से डिफरेंस रहता है आप भी जानते हैं, तो अच्छा रहेगा। और अंत में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सिनेमा कैमरे के बारे में आपको बताएंगे, और वो है ब्लैक मैजिक उर्सा। देखिए ब्लैक मैजिक का ये पहले से ही था कि वो सबसे सस्ते में सिनेमा कैमरा प्रोवाइड करता था, जैसे आप सिनेमा पॉकेट कैमरा उसने दिया, सिनेमा मिनी कैमरा उसने दिया ब्लैक मैजिक का, वो काफ़ी अच्छे चले। अब वो लाए हैं सिनेमा कैमरा उर्सा, ब्लैक मैजिक का उर्सा मिनी प्रो। ये कैमरा काफ़ी हद तक
फुल प्रोफेशनल कैमरे के बराबर में है और इसका डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है, वो 15 स्टॉप का डायनेमिक रेंज दे रहे हैं, 4.6K का इसका रेजोल्यूशन है और इसकी जो सेंसर साइज है वो भी काफ़ी अच्छा है, सुपर 35 का ये सेंसर साइज है इसका। और इस कैमरे का सबसे जो हमको खास लगता है ब्लैक मैजिक में कि इसकी जो कलर का टोन होता है काफ़ी नेचुरल होता है। हाँ, थोड़ा सा डार्क लगता है, इंडियन एनवायरमेंट के लिए थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आपको अच्छी फिल्म बनानी, अच्छी मूवी बनानी है और कम बजट में, आप सोच नहीं सकते ये मात्र 10 लाख रुपए के बजट में इसका पूरा एसेसरीज आ जाता है, एसेसरीज का साथ आपको ब्लैक मैजिक कुर्सा मिल जाता है, आप इसमें पीएल माउंट, ईएफ माउंट, कोई भी माउंट का आप लेंस लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो नए फिल्म मेकर हैं इस पर जरूर ट्राई करें। तो हमने आपको बताया एरी, रेड, कैनन, सोनी, पैनासोनिक और ब्लैक मैजिक कैमरे के बारे में, जो नेक्स्ट ईयर यानी 2019 में सबके सामने होंगे। अभी से आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन 2019 के फिल्मों में ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे लोगों के बीच में। अब आपको सोचना है कि आप किस तरह के कैमरे से अपने फिल्म को शूट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का कहीं ना कहीं हम पीछे के वीडियोस में हम बताए हुए होते हैं, वही क्वेश्चन, वही प्रश्न फिर से मेरे सामने आ जाता है। तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस को एक एक करके देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और हाँ, मैं चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं तो फिल्म मेकिंग का कोर्स ज़रूर करें। हम लोग तो बहुत ही कम पैसे में डिजिटल फिल्म मेकिंग का ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, लेकिन अगर आपके नज़दीक में कहीं पर भी ऑफलाइन या कहीं पर भी ऐसे कोर्स करने की अगर सहूलियत मिल रही है तो आप जरूर करिए। तब आप अगर फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं और तब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम लोग बता देते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आती है और आप आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज जरूर मिलती चली जाएंगी। नमस्कार। अगर आप फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर, एडिटर या फिल्म मेकर के रूप में एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर समर के मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। 8 सेमेस्टर्स के इस साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए ऑडियो विजुअल कोर्स में आप स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, सिनेमा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के सभी बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी के जरिए पाएं। अब आप भी इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनकर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिनेमा, टीवी और डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम करियर बना सकते हैं। अभी इस नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.iftaindia.in पर।